हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमराज शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार से मांग की गई कि जल्द प्रदेश में राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा कर लिया जाए, नहीं तो आगामी दिनों में महासंघ सड़कों पर उतरने के लिए विवश होगा। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष हमीरपुर प्रताप सिंह, रविन्द्र सिंह के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों को जल्द पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए किसी तरह से आगामी दिनों में काम किया जाए, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई। बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के द्वारा अतिरिक्त महासचिव राजस्व के साथ बैठक के दौरान भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखा है। बैठक में सरकार से उम्मीद जताई गई कि सरकार से मिले आश्वासनों के अनुसार संघ की मांगों को पूरा किया जाए। एसडीएम के कार्यालयों में ज्यादा काम रेवड़ियों का होता है, लेकिन कानूनगो के पद को खत्म किया गया, जिसका संघ ने विरोध जताया है। साथ ही प्रदेश में पटवारघरों की हालत को सुधारने के साथ कानूनगो के भवन भी दुरुस्त करने की मांग की गई। प्रदेश में राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो के द्वारा बिजली पानी का खर्चा स्वयं वहन किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग के कर्मियों में बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हेमराज शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मियों की समस्याओं को सरकार अनदेखा कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर जल्द कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अभी 4 तारीख को इसी महीने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के साथ महासंघ की बैठक हुई। 34 सूत्रीय जो मांग पत्र था, जिसमें पटवारी कानूनगो की समस्याएं थी, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। हमें एक संतोष होता है कि प्रदेश की कुछ एक समस्याओं को जो पटवारी कानूनगो झेल रहा है, उन समस्याओं के प्रति सरकार संकल्पबद्ध है उनका निराकरण करने के लिए। और जो आश्वासन हमें मिले हैं, उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो कानूनगो के एसडीएम के जो दफ्तर हैं, उनको 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया, ए बी और सी कैटेगरी के अंदर। प्रत्येक सब डिवीज़न जो एसडीएम के दफ्तर हैं, उनके अंदर 70-80% काम रेवेन्यू का होता है। और सी कैटेगरी जो एसडीएम के दफ्तर की बनाई, उसमें कानूनगो की पोस्ट नहीं रखी, उसको उड़ा दिया। तब से लेकर के महासंघ निरंतर इस योजना का, इस नियम का, इस फैसले का विरोध करता रहा है और कई बार आग्रह किया कि यहाँ भी ये पोस्ट क्रिएट की जाए। और इस बार की बैठक में हमें ये आश्वासन मिला है कि जो सी कैटेगरी के एसडीएम के दफ्तर हैं, वहाँ पर भी कानूनगो की पोस्ट भरी जाएगी, उसका सृजन किया जाएगा। हमने सरकार से आग्रह किया है, सरकार ने इसको सुना भी है और समझा भी है, आश्वासन भी दिया है कि इसको जल्दी निपटाया जाएगा। लेकिन आज मैं इस बैठक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को पटवारी कानूनगो महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये निवेदन भी करूंगा कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निराकरण कीजिए। वो समस्याएं हमारी अपनी नहीं है, वो लोगों से जुड़ी समस्याएं, लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिलना है उनसे जुड़ी समस्याएं। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी की बैठक कोरोना महामारी के चलते काफ़ी समय तक नहीं हो पाई थी, उसके बाद आज ये बैठक लगभग एक साल के बाद हमीरपुर जिला के अंदर भाई ठाकुर प्रताप जी के सानिध्य से यहाँ आयोजित की जा रही है। पटवारी और कानूनगो महासंघ लगातार हिमाचल प्रदेश सरकार की योजनाओं को, जो लोगों के लिए बनाई गई है, उनको धरातल पर उतारने के लिए, उन योजनाओं से संबंधित लोगों को लाभान्वित करने के लिए रात दिन प्रयासरत रहता है। लेकिन उनकी जो अपनी समस्याएँ, उन समस्याओं के प्रति सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिससे आज प्रदेश के पटवारी और कानूनगो के अंदर एक रोष व्याप्त है सरकार के प्रति। आज प्रदेश के अंदर पटवारखानों की हालत इतनी दयनीय हो गई है कि केवल 10-15% पटवारखाने या कानूनगो की बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहां पर वो आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। इसके अलावा 80-85% पटवारखाने हों चाहे कानूनगो की बिल्डिंग हो, उनके अंदर बैठने की क्षमता नहीं है, उनके अंदर सुविधा नहीं है। अगर बिल्डिंग ठीक है तो फर्नीचर नहीं है, जहाँ फर्नीचर है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अब प्रदेश के अंदर केवल मात्र एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी कानूनगो ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने दफ्तरों के बिजली और पानी का खर्चा भी अपनी जेब से देते हैं, और ये सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। महासंघ निरंतर इन समस्याओं को उठाता रहा है, इसके साथ साथ काम करने की दिक्कत आ रही है। आज सैकड़ों काम जो है वो सरकार मोबाइल सुविधा से ऑनलाइन पोर्टल पर लेने की बात कर रही है, लेकिन सुविधा दे रही है।
एक आदमी कितना काम करेगा। प्रदेश के अंदर पटवार खाने खाली चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी हमारी सेक्रेटरी रेवेन्यू के साथ बैठक हुई, उसमें जो आंकड़े आए थे हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों की स्थिति इतनी खराब है कि कानूनगो की पोस्टें आधे से ज़्यादा खाली पड़ी हैं। अब कानूनगो नहीं होगा तो लोगों की ज़मीनों की इंसानदियाँ कैसे होंगी, लोगों की शिकायतों के निपटारे कैसे होंगे, उनके तकसीमों के कार्य कैसे होंगे। इस तरह की अनेकों समस्याएं पटवारी कानूनगो के साथ रह रही हैं, जिनको महासंघ निरंतर सरकार के साथ उठा रहा है। अनेकों बार महासंघ अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए सरकार से नाराजगी जताने पर भी विवश हुआ है। अभी 4 तारीख को इसी महीने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के साथ महासंघ की बैठक हुई। 34 सूत्रीय जो मांग पत्र था जिसमें पटवारी कानूनों की समस्याएं थी उनके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। हमें एक संतोष होता है कि प्रदेश की कुछ एक समस्याओं को जो पटवारी कानूनों को झेल रहा है उन समस्याओं के प्रति सरकार संकल्पबद्ध है उनका निराकरण करने के लिए। और जो आश्वासन हमें मिले हैं उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो कानूनों के SDM के जो दफ्तर हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया, A, B और C कैटेगरी के अंदर। प्रत्येक सब डिवीज़न जो SDM के दफ्तर हैं उनके अंदर 70 से 80% काम रेवेन्यू का होता है, और सी कैटेगरी जो SDM के दफ्तर की बनाई उसमें कानूनगो की पोस्ट नहीं रखी, उसको उड़ा दिया। तब से लेकर के महासंघ निरंतर इस योजना का, इस नियम का, इस फैसले का विरोध करता रहा है और कई बार आग्रह किया कि यहाँ भी ये पोस्ट क्रिएट की जाए। और इस बार की बैठक में हमें ये आश्वासन मिला है कि जो सी कैटेगरी के SDM के दफ्तर हैं वहाँ पर भी कानूनगो की पोस्ट भरी जाएगी, उसका सृजन किया जाएगा। हमने सरकार से आग्रह किया है, सरकार ने इसको सुना भी है और समझा भी है, आश्वासन भी दिया है कि इसको जल्दी निपटाया जाएगा। लेकिन आज मैं इस बैठक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को पटवारी कानूनगो महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये निवेदन भी करूंगा कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं उनका निराकरण कीजिए। वो समस्याएं हमारी अपनी नहीं है, वो लोगों से जुड़ी समस्याएं, लोगों को जो योजनाओं का लाभ मिलना है उनसे जुड़ी समस्याएं। और यदि सरकार फिर भी सुनाई नहीं करती है तो बहुत जल्दी पटवारी कानूनगो महासंघ सड़कों पर उतरेगा, अपना विरोध करेगा, काम भी बंद करेगा और अपने पेन डाउन भी करेगा। संघ के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में समस्याओं को लेकर आगामी रूपरेखा तय की जा रही है। बैठक में कानूनों की समस्याओं से लेकर पटवारियों के काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि समस्याओं को हल किया जाए। प्रदेश स्तरीय मीटिंग पटवार कानूनगो एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में मेरे आग्रह पर इन लोगों ने रखी है। इसमें पटवारियों की जितनी समस्याएं उनके ऊपर आज विचार विमर्श होगा। आज ये भी डिसाइड होगा कि हमने कैसे कैसे काम करना है, और जो हमारी समस्याएं आती हैं जैसे आजकल कानूनगो के बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है, उसके लिए भी रिलैक्सेशन की बात सरकार से चली है, वो भी जल्दी होनी चाहिए। नंबर दो कि हम इतना क्रश कर दिए गवर्नमेंट ने काम में, जो आज पटवारी को इतने काम दे दिए वो काम कर ही नहीं पा रहा है। आज उन कामों को करने के लिए सरकार से मैं आज बिल्कुल इसमें चेतावनी भरे लहजे में कह देता हूं कि अब पटवारी कानूनगो का धैर्य वो बहुत छूट चुका है, टूट चुका है। अब मैं आज उनसे आग्रह करता हूं कि इस कार्य को जल्दी करें, नहीं तो ऐसा न हो कि ये चिंगारी ज्वाला का रूप ले ले और फिर लोग सड़कों पे उतरे, वो सरकार के लिए नुकसानदायक होता है।